नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। जालौन में एक युवक का शव घर के बाहर पड़ा मिला, जिसकी सूचना मृतक की पत्नी ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के शाहगंज मोहल्ले का है, जहां का निवासी नासिर बीती रात घर के बाहर चारपाई पर सोया हुआ था। सुबह होने पर उसकी पत्नी ने जब उसे अचेत देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक नासिर की पत्नी 2 साल पहले अपने प्रेमी संग घर से भाग चुकी थी, जिसे दोबारा उसका पति घर लाया था। क्या है पूरा मामला और क्या उसमें सामने आया है? पुलिस को सूचना मिली कि जालौन औरैया मार्ग पर एक नई बस्ती बसी है शाहगंज, वहाँ पर रहने वाले नासिर सन ऑफ शमशुद्दीन, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, ये अपने घर में बाहर खुले इलाके में सोए हुए थे चारपाई पर, और इनकी पत्नी ने सूचना दी कि उनका मृत शरीर उन्हें मिला जब थोड़ी आहट हुई बाहर निकलने पर। पुलिस ने मौके पहुँच के जो प्रारंभिक जानकारी है वो हासिल की, तो अभी कोई निश्चित स्थिति नहीं सामने आई है। मोहल्ले में बात करने मालूम पड़ा कि मृतक की पत्नी अपने एक पड़ोसी के साथ 2 वर्ष पहले भाग गई थी और बाद में प्रसूषण के बाद वापस आई। जिसके साथ भागी थी वो अभी न उस मोहल्ले में है न अपनी रिश्तेदारियों में है। जो भी सूचनाएं मिल रही हैं वो कंट्राडिक्टरी हैं, इस लिहाज से इसकी जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका अनावरण किया जाएगा। आपके ये कौन थे, ये कैसे घटना हुई है? कितने बजे करीब घटना है? ये हुई है 12:30 बजे। कैसे क्या हुआ? हम जब बाहर आए जब जिस मोड़ आके थे कार में खून निकल रहा था। अच्छा, और कौन था घर पे आपके पास? मम्मी थी, बहन लगे थे। और कोई नहीं था? नहीं। रिश्तेदार वगैरह कोई? नहीं, कोई नहीं। तो क्या समझ में आया आपको जब जी मुंह ढाके थे? हमने आवाज़ लगाई नहीं, बोले नहीं कुछ, मम्मी ने आवाज़ लगाई फिर भी नहीं बोली। पेश है जालौन से अनुज पाटकर की खास रिपोर्ट।